हेलो दोस्तों, गांव आया हूँ। ये तीन कैरी किए थे, आपने नोटिस किया होगा। लास्ट टाइम भी गांव आया था तो एक मैंने लेदर का ज़रूर कैरी किया था। लेदर मेरा कंपेनियन रहता है थोड़ा ये ट्रैवलिंग में, और थोड़ा नॉइज़ डिस्टर्बेंस आ सकता है क्योंकि मंदिर मस्जिद बहुत ज़्यादा है इधर यहाँ गाँव साइड में। तो एक बार माहौल चेक कर लो। ये इधर का माहौल रहा। आज बात करते हैं रेयर कार्बन के बारे में। मेरा फेवरेट क्यों होता है लेदर परफ्यूम, वो भी ट्रैवलिंग के दौरान। अभी इसको खोलते हैं और इसकी बातें करते हैं। नान का मैंने पहले ही बॉक्स सिखाया था, ऐसे आता है। सुपर फाइन हैवी बॉक्स रहता है और बीच में से खुलता है। दिखा देता हूँ, बस बॉटल ना गिरे, ख़त्म हो जाएगी बॉटल गिरते ही। थर्ड फ्लोर है, ये रही बॉटल, एप्पल जैसी बिल्कुल ऐसे बॉटल रहती है। खूबसूरत तो बहुत है इसकी बॉटल, देखो कैसे चेंज कर रहा है कलर्स वगैरह। मैंने गाँव में दिखाया है अपने दादा को और बाकी सबको, तो उनको समझ नहीं आया है क्या। एक तो बॉक्स एकदम मिस्टीरियस है और उसके अंदर से ऐसी चीज़ निकली, उनको लगा ये ट्रैक्टर में लगने वाला कोई इक्विपमेंट है, तो कहते कोई इम्प्लीमेंट है ट्रैक्टर का ज़रूर। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने ऐसे कैप उठाई, वो तब भी नहीं समझे। तो मैंने फिर एक स्प्रे करके ऐसे एक लगा दिया, तो वो मुझे कहते क्या है ये। मैंने कहा परफ्यूम। कह रहे क्या होगा इससे। मैंने कहा खुशबू आएगी। कहते उससे क्या होगा। भाई एंड हो गई कन्वर्सेशन वहीं पर। तो बस ऐसे है। अब बात करते हैं इसकी, मेरे को ये ज़्यादा क्यों पसंद है और मैं इसको क्यों कैरी कर रहा हूँ। मैंने इस बार अपने पास एम्बर एंड लेदर कैरी क्यों नहीं किया, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, और उसके होते हुए मैंने दूसरा लेदर परफ्यूम क्यों लिया। तो अब इसकी बातें करते हैं। रेट में पहले बता देता हूँ, आई गेस 2695 या 2700 कुछ ऐसा कुछ है। मैं नीचे मेंशन कर दूँ अंकुर भाई का नंबर, पूछ लेना भाई। देखो कितना प्यारा स्पार्कलिंग इसका वो लग रहा है। इसका जो नोट और अकॉर्ड ब्रेकडाउन है वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। और मुझे ये वाला ना ओम्ब्रे लेदर से ज़्यादा बेटर लग रहा है और ज़्यादा क्लोज लग रहा है। देख रहे हैं क्या, देख लो भाई, देख लो, मज़ा आएगा तुम्हारा भी। मैं सेफोरा गया था, इसको भी कैरी किया था मैंने, सालवो को भी कैरी किया था, और मैंने उनको बताया था और मैंने उनको ट्राई कराया था। उन्होंने खुद बोला था ये तो अल्टरनेट फ्रेग्रेंस है। मैंने कहा किसका, तो कहते हैं ओम्ब्रे लेदर का। तो बल्कि उनको ये बेटर ही लगा, मेरी ऑफ कैमरा भी बात हुई थी, उनको काफ़ी बेटर लगा और मुझे भी काफ़ी बेटर लगता है क्योंकि इसके बेस में आता है वेटीवर का नोट, और वेटीवर तो वैसे ही डार्क मोड होता है, तो लेदर के साथ बहुत अच्छा कंप्लीट करता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था चीफ में सिट्रस के साथ जो जिंजर फिट हो रहा था उसको कंप्लीट कर रहा था उसकी प्रोफाइल को, ऐसे ही ये है। अब ये क्यों लेना चाहिए किसी भी बंदे को, मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ इतना कि मैनली परफ्यूम, लेदर परफ्यूम, वेटीवर परफ्यूम। देखो दो ही मेरे को मैनली नोट लगते हैं, जो थोड़े से कड़क होते हैं, जो थोड़े टाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक मेरे को लगता है लेदर का, एक लगता है वेटीवर का। इसके अंदर दोनों ही हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको, अरे यार इसको जाने दो पहले। तो मैं इसीलिए कहता हूँ सभी बंदों को, सभी भाइयों को, मैनली नोट कैरी करने के लिए, मैनली परफ्यूम कैरी करने के लिए, भाई थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लगता है, थोड़ा अनयूजुअल लगता है। सभी थोड़ा सॉफ्ट फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, थोड़ा सेफ हो, लड़की को पसंद आए, लड़की पड़ जाए, ऐसे करके मेंटेलिटी रहती है। जब सेंट लगाने की बारी आती है, परफ्यूम लगाने की बारी आती है, पर कभी अपना सिग्नेचर कैरी करने का सब नहीं सोचते। इसलिए एक तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप चाहे ये लो, चाहे एम्बर एंड लेदर लो, चाहे वेलवेट वुड लो, चाहे अगर बजट है तो ओम्ब्रे लेदर, टस्कन लेदर, लायुकुआम, कुछ भी ले सकते हो। और एक तो बनता है आपकी जेंडर के हिसाब से और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, एक लेदर स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। अब जब से मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ गाँव में, मेरे भाइयों को मैंने सबको ट्राई कराया, मैंने अपने ताऊ चाचा को, दादा को, सबको ट्राई कराया, और मोस्टली सभी को ये पसंद आया। ये वो फ्रेग्रेंस है जो लड़की का, तो देखो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा यहाँ पर, जो लड़कों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आपको दूसरे मेंस ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हुए मिलेंगे क्योंकि वो भी ऐसी खुशबू पसंद करते हैं, उनको भी ऐसा महकना बिल्कुल डिज़ायरेबल लगता होगा। थोड़ा जो भी इंट्रैक्शन मीटिंग होती है तो उसमें ये इंप्रेशन तो भाई बहुत अच्छा देता है। मेरे को तो जेन्युइनली ये नोटिस चीज़ हो चुकी है। और बॉटल कुछ ऐसी है, एक बार स्प्रेयर भी आपको दिखा देता हूँ ऑन कैमरा। हवा चल रही है उधर, मिस्ट बहुत अच्छा मारता है। और मैं बता रहा था मैं इसको कैरी करना क्यों पसंद करता हूँ। देखो कार होती है, कार में अगर आप इसको रखे भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ आप अपने कपड़ों के साथ, स्किन के साथ इसको अपनी लेदर की सीट्स पर लगा सकते हो, और ज़्यादा बेटर स्मेल करेगी। एक लग्जरी कार की लेदर सीट्स की तरह स्मेल करेगी, एक अच्छे रिक्लाइनर जैसा स्मेल करेगी। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बढ़िया लगती है इसकी। तो मैं तो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, मैंने इसके चार स्प्रे लगाए थे। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इसका है नहीं, ये ऐसे नहीं कि 4-5 फीट तक लपेटा करके लाएगा बंदों को, दूर दूर तक जाएगा। ये मुझे लगता है सॉफ्ट प्रोजेक्शन है इसका, थोड़ा 1 से 1.5 फीट के करीब, और लास्टिंग इसकी आई गेस 5 to 7 hours के बीच में है। और सियाज ओके है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी चीज़ नहीं है, सिग्नेचर सेंट बना सकते हो, इसको ऑफिस में कैरी कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है कि दूर नहीं भाग रहा आपसे,
दूसरे फ्रेगरेंस हो सकते हैं जो बीस्ट मोड हो, दूर तक जाएं। ये बीस्ट मोड थोड़ा लॉन्जिविटी में कह सकते हो आप, कपड़ों में तो ये रहता है दिन से ऊपर तक रहता है, 24 आवर्स प्लस रहता है कपड़ों पर। और बस ये है इसका शॉर्ट एंड सिंपल, मैंने रिव्यू बनाया क्योंकि गाँव में मैं ट्रैवल कर रहा था। और अभी ये पता नहीं है 5 बजे 6 बजे हैं, भोपू बजने शुरू हो जाते हैं, इधर कोई ढोल आ रहा है कोई कुछ आ रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। तो मैंने टाइम निकाला, थोड़ा गोल्डन आवर चल रहा था तो मुझे लगा बना देनी चाहिए, एक छोटा सा अपडेट दे दिया कि ये लेदर फ्रेगरेंस मेरा परफेक्ट कंपेनियन है ट्रैवलिंग में, हमेशा रहेगा ये मेरे साथ जब भी मैं ट्रैवल करूँगा, और परफेक्ट है मेरे लिए, तो परफेक्ट फिट है क्योंकि वेटिवर है बेस में और वो इसके बेस नोट्स आते हैं वो तब सरफेस करता है, और इतना डार्क मोड वेटिवर मैंने कितनी बार बताया, एंकर नोयर की याद दिलाता है, मेरे को बहुत पसंद है। और ये चीज़ तो ये है 100 ml, बहुत चलेगा, कम से कम नहीं तो कम से कम बता रहा हूँ 5 साल मेरा आराम से खिंच जाएगा, क्योंकि मैं गर्मी में भी लगाता हूँ पर कम लगता है और इतना ज़्यादा बीस मोड नहीं लगता। तो ये है मेरा फेवरेट लेदर परफ्यूम है, वेटिवर इसके बेस में है, और पर्सनैलिटी को अगर सूट करे तो भाई बिल्कुल कंसिडर करना, अफनान की तरफ से आता है तो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लोन हाउसेज की तरफ से है, बॉटल भी इतनी प्यारी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत फाइन है क्वालिटी, ऐसे कड़क नहीं है कि नाक में चुभे, कड़क है एज इन इट्स प्रोफाइल लेदर है, थोड़ा कड़क लगता है, हर लड़के को पसंद आता है जहाँ तक मैं जिनसे मिला हूँ अभी तक, कोई भी ऐसा लड़का नहीं था इसको ना पसंद आया हो। तो बस ये है इसका, और चलो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में, बाय बाय।